Hello everyone guys, welcome back to my YouTube channel. Khulu mere jaisa phir hum ko boy ko bhai channel jani kab support hai parne jaye. So in today's vlog we'll be going to get some wallpapers so that we can decorate our room. That's the very reason why. Aur uske baad hum log ja rahe hain Riverside. So without any further delay, so let's get started with the vlog. Driving just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. The scenery here is really really awesome right now. इतनी ग्रीनरी है, मतलब मज़ा आता है जब भी बाहर निकले तो कहीं भी जाएँ. बट लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे विंटर्स में जो है इतनी ठंड होती है. जगह तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन चलने को बहुत दिक्कत हो जाता है क्योंकि इतनी ठंड में कभी कभार बूथ्स के अंदर जो भी है ना, बूथ्स के अंदर भी है ना, लाइक हम लोग का जो पाव है दो हाफ फीट दे गेट फ्रोजन. इतनी ठंड होती है लाइक, मतलब इसलिए लेजीपन की वजह से हम लोग को बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं करता. और समर्स में तो घूमने का बहुत मन करता है लेकिन इस साल ये चीज़ ज़्यादा नहीं हो पाया. लेकिन लकीली हम लोग का हॉस्टल जो है अभी हम लोग को जाने के लिए अलाउड कर दिया. तो वेल लकी नाउ दैट वी कैन रोम एटलीस्ट एक महीने से थोड़ा और ज़्यादा एसी मतलब बेहतर रहेगा, तो विच इज़ रियली गुड. और जितने भी पेड़ हैं ना ये मेरे पीछे जो है, ये सब जो है ऑटम को पूरा लाइक येलोइश ऑरेंज हो जाएगा. मतलब देखने को लगता है कि लाइक इट लुक्स, मतलब इतना अच्छा लगता है वो. और इस जब इसके पत्ते झड़ते हैं ना नीचे, ऐसा लगता है कि नीचे सजा के रखा है. इतने सारे पत्ते झड़ जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है. और अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते में बहुत सारे वुडन हाउसेस हैं. शायद ये बहुत ही पुराने मतलब हाउसेस हैं. आपको दिखाता हूँ मैं कितने सुंदर लगते हैं ये लोग. और यार मुझे भी कभी इसके अंदर जाने का मन करता है लेकिन हम लोग कभी गए नहीं. अगर आप ढाचा या लाइक यू कैन रेंट अ हाउस एंड देन गो देयर फॉर अ पार्टी और एनीथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपको ऐसे वुडन हाउसेस में रहने के लिए मिलते. तो मैं आप सबको दिखाता हूँ कि यहाँ के वुडन हाउसेस कैसे होते हैं. बहुत ही अमेजिंग होते हैं. वाह यार, इस साइड का सीनरी बहुत ही अच्छा है. पीछे बहुत ही कलरफुल हाउसेस है, ग्रीन रेड येलो ऐसे कुछ है. वहाँ पे ब्राउन कलर का घर है पीछे, यहाँ पे ब्लू का है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. हा, मज़ा आ रहा है यार. आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे लॉकडाउन है. आपको दिखाता हूँ. और हाँ, जब मैंने पिछली बार एक जो मेरे पिछले ब्लॉग में जो जगह पे गया था जिस पार्क में, वहाँ पे तो इतने सारे लोग जो है ना बिना मास्क के ग्लव्स के घूम रहे थे. लाइक इवन देर वर प्रेग्नेंट लेडीज, और मतलब बहुत सारे बच्चे भी थे जिनके मम्मी पापा सब लोग थे लेकिन वो लोग मास्क भी नहीं पहन रहे थे, ग्लव्स भी नहीं पहन रहे थे. मतलब यहाँ पर शायद उतना सेफ हो चुका है लेकिन हम लोग को हॉस्टल से फिर भी मास्क और ग्लव्स के बिना अलाउड नहीं करते बाहर आने के लिए. दैट्स वाई वी हैव टू लाइक, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना ज़्यादा अच्छा रहता है ना. तो दैट्स इट. तो चलो आगे और चलते हैं. बहुत ही अमेजिंग हाउस देखा है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर है. ठीक है, आपको कैसा लगा आपको इस तरीके का घर? अच्छा लगा ना?
आई होप यू गाइस लाइक इट, इट लुक्स रियली ऑसम। इंडिया में ऐसे घर बहुत कम देखने को मिलता है, शायद पहाड़ी इलाका में ऐसे घर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मतलब सिटी के थोड़े आउटस्कर्ट्स में ऐसे बहुत सारे घर है जो कि बहुत ही पुरानी है और बहुत सुंदर लगता है। अच्छा लगा ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। Now he is saying that he already went with Chacha. Even I was Nikhil was there. So three, four of you guys already went. Par apan udhar kahin se aaye the na? Ye mera first time hai yahan pe. So our destination is finally reached. Aapko dikhata hu. So finally we reached inside. Bahut hi badi mall hai yaar. Yeah, how many floors are there? 1, 2, 3 floors. Tough, you see, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, smoke. So guys, finally we bought the wallpapers. Yeah, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको ले जाके हम लोग रूम में थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, फिर भी विल ट्राई टू डिज़ाइन आवर रूम जितना हो सके सो दैट अच्छा लगे रूम। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत घूमने और जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं। सो हम लोग ने अभी क्या किया, हम लोग अभी जहाँ पे थे वहाँ से एक टैक्सी लिया एंड देन वी आर प्लानिंग टू गो टू प्रेस्टो, विल गेट द पिज्ज़ा फ्रॉम देयर एंड देन विल गो बैक टू द रिवर साइड टू एंजॉय। हाँ, आप सबको बता दूँ पहले हम लोग का जो है मैनिपुलेशन क्लास, मतलब सॉर्ट ऑफ नर्सिंग टाइप, आपको वहाँ पे पेशेंट को कैसे केयर करते वगैरह जो है ये सामने वाले बिल्डिंग में लेते क्लासेस लगती थी, आपको दिखाता हूँ। मैनिपुलेशन क्लास जो है यहाँ पे लगती थी। अगर आपने मेरा वो मैनिपुलेशन वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मैं आपको आई बटन में लिंक कर दूँ। So right now I'm sitting in the park. पीछे लोग खेल रहे हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा because of the exposure. और यहाँ पे मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, पिज्ज़ा का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में आएगा। और मेरे जो दोस्त लोग हैं they went for getting cold drink. उसके बाद हम लोग चलेंगे रिवर साइड, आराम से बैठ के खाएंगे, थोड़ा सा नज़ारा देखेंगे और क्या करेंगे पता नहीं क्या करेंगे देखते आगे क्या क्या करते हैं। आज का दिन वैसे तो बहुत ही अच्छा गया। आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा ना? अच्छा लगा हो देन प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे बताना कि कैसा था, और थोड़ा सा आइडियाज़ देते रहना कि मैं किस टॉपिक पर व्लॉग बनाऊँ। या फिर अभी तो फ़िलहाल एक्चुअली हम लोग हर दिन घूम रहे हैं ना, तो फिर ऐसे घूमने भर में ऐसे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह। एक्सप्लोर मतलब ये सब जगह तो हम लोग पहले मतलब घूम चुके थे वैसे ज़्यादातर जगह, लेकिन समर्स में कुछ अलग ही नज़ारा बन जाता है और विंटर में कुछ और ही। तो आई थिंक आई प्रिफर समर हियर इन रशिया बिकॉज समर का नज़ारा कुछ और ही होता है। विंटर में लाइक नज़ारा तो बहुत सुंदर होता है लेकिन आपको घूमने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ठंड की वजह से, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, -30 से भी ऊपर जाते कभी कभी, यूजुअली -15 से 30 तक के बीच में रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे फिर भी मतलब जो यहाँ पे लोग बहुत सालों से रह रहे हैं उनके लिए भी ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड है उनके लिए भी। तो यही है, देखते हैं आगे क्या करते हैं, आप बस ब्लॉग देखते जाना इन तक, ठीक है? सो फाइनली वी रीच्ड द रिवर साइड, अभी हम लोग बैठ के खाएंगे, इसके नीचे जाएंगे अभी हम लोग, दिखाता हूँ आप। Oh, this is so cool. ना सुंदर लग रहा है, देख इतने सारे पिजन्स भी है।
we'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you what I like. About things will never end it. तो गैस आज आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? इतना सुंदर नज़ारा है रिवर साइड पे, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग यहीं पे कंक्लूड कर लूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू गैस लाइक माई ब्लॉग देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू, एंड लाइक एंड शेयर इफ़ आर माई ओल्ड सब्सक्राइबर। सो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, एंड प्लीज़ लिव सम कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैंने कैसा ब्लॉग बनाया है। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, तो थैंक यू सो मच गाइस ब्लॉग एंड तक देखने के लिए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।